हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देखा अंत तक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको ये वाले जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं वो हमेशा के लिए आ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉन्टेड और वॉन्टेड टू के बारे में। आप देख सकते हैं दो स्क्रीन पर वर्ड्स, एक वॉन्टेड है और एक वॉन्टेड टू है। तो दोस्तों, इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती जो बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है उनको हम कैसे बोलते हैं, मुझे कार चाहिए थी, मुझे नॉलेज चाहिए था, मतलब मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे जो है अपना खुद का घर चाहिए था, मुझे आराम चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए थी। तो कोई वस्तु अगर आपको चाहिए थी उसके लिए हम वॉन्टेड लगाते हैं, और कोई काम आप करना चाहते थे, कर नहीं पाए ना, क्या करें, तो करना चाहते थे उसके लिए आपको वॉन्टेड टू लगाना है। तो वॉन्टेड और वॉन्टेड टू में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा कि एक के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है जबकि एक के बाद वर्ब आती है। तो पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे। वॉन्टेड टू का इस्तेमाल हम कैसे वाक्यों में करते हैं, जहां पर हमें बोलना होता था कि मैं उससे मिलना चाहता था, मैं पढ़ाई करना चाहता था, अब्दुल कलाम जो है पेपर बेचना चाहते थे, वह कुछ बनना चाहता था। अब अगर आपने आज अंग्रेजी नहीं सीखी तो बाद में आप बोलोगे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग वांटेड और वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको पहले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि वांटेड और वांटेड टू दोनों का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, ठीक है। वांटेड टू का इस्तेमाल किन वाक्यों में किया जाता है, तो जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि मुझे पानी चाहिए था, मुझे पानी चाहिए था। तो आपको कोई वस्तु चाहिए, जब किसी वस्तु की नीड होगी, है ना, किसी भी आपको नाउन की नीड होगी, तब आप यहाँ पर चाहिए था अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है। क्योंकि पास्ट में आपको किसी वस्तु की आवश्यकता थी, नीड थी, वांट थी, पास्ट में था आना बहुत ज़रूरी, तब आपको वांटेड लगाना है। मुझे पानी चाहिए था, तो आप बनाएंगे आई वांटेड वाटर, ठीक है। आपने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे ज्ञान चाहिए था, तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉन्टेड नॉलेज, आई वॉन्टेड नॉलेज। तो आपको ऐसी बहुत सारी वस्तुएं चाहिए थी, आप उनको इस तरीके से बनाते हैं। जबकि अगर आपको बोलना हो कि आप कोई काम करना चाहते थे, ठीक है, आप कोई काम करना, जैसे आपने कहा कि सचिन क्रिकेट खेलना चाहता था, सचिन क्रिकेट खेलना चाहता था, ठीक है, सचिन क्रिकेट खेलना चाहता था। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, सचिन वांटेड टू प्ले क्रिकेट, सचिन वांटेड टू प्ले क्रिकेट। तो यू कैन सी गाइस, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन वांटेड एंड वांटेड टू, ओके। तो बेसिकली वांटेड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो हम इसको अगर कंसेप्ट को हम समझे तो वांटेड का इस्तेमाल हम करते हैं कि पास्ट में हमें, है ना, पास्ट में हमें कोई नीड थी, मतलब कोई आवश्यकता थी, हमें थी पर फोकस करना है। जबकि हम अगर वांटेड की बात करें, अगर हम बात करें वांटेड की, तो वांटेड टू का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर हम कोई काम करना चाहते थे। तो हम यहां पर लिख लेंगे हेडिंग के लिए, आप शायद नोट्स बना चले, कोई काम करना चाहते थे, आप कोई काम करना चाहते थे, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाना चाहते थे, आप पढ़ाई करना चाहते थे, है ना, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, हम सब क्रिकेट खेलना चाहते थे, देयर आर मेनी सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या होता है कि इसमें हमें वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि इसमें क्या होता है, सीधा ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस रहता है, मतलब इसमें सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट पर फोकस करना होता है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि हमें वांटेड वाले में सीधा सब्जेक्ट और हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है, जबकि वांटेड टू में कोई काम करना चाहते थे और काम आ गया और करना वर्ड आ गया हिंदी का, तो ओबियसली इसमें वर्ब लगेगी। अब चलिए इसका पूरा कंसेप्ट देखते हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, अब हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। तो लेट मी रेज फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए दोस्तों, हम दोनों के सिंपल और नेगेटिव इंटरक्टिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो आपको पूरा कंसेप्ट समझाएंगे। अब देखिए, हमें इतना समझ में आ गया है कि इसका जो मतलब होता है वांटेड का, हम यहाँ लिख लेंगे कि चाहिए था,
कोई वस्तु की नीड होती है हमें, और इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि कोई काम करना चाहते थे, कोई काम करना चाहते थे। ठीक है, एक तो आपको एक वस्तु चाहिए थी, कोई काम करना चाहते थे, पास्ट में इस्तेमाल करेंगे। जब इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इज इट विजिबल गाइस, तो जब हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे वांटेड और सीधा किसी भी ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ऑब्जेक्ट मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये इस पैटर्न्स को पहले हम फॉलो करके देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई वस्तु चाहिए थी। जैसे मैंने कहा, अरे यार मुझे जना मुझे मोबाइल चाहिए था, वो बोले तुम्हें क्या काम था, तो आपने कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए था, तो कैसे बोलेंगे आप, देखिए दोस्तों हम सिंपली बनाएंगे मुझे मोबाइल चाहिए था, तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आपने पहले हिंदी में सेंटेंस लिखा मुझे मोबाइल चाहिए था। ठीक है, अब अगर मोबाइल चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट मोबाइल। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर आपने इसका प्रेजेंट टेंस नहीं देखा वॉन्ट और वॉन्ट का, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि वॉन्ट और वॉन्ट वॉन्ट टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो आप जाके वीडियोज़ में सर्च कर सकते हैं, हमने कल ही पढ़ाया था। उसके बाद आज हमने वॉन्टेड और वॉन्टेड टू का इस्तेमाल सीखा है। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझने योग्य है कि कोई वस्तु चाहिए थी या ना, बहुत ज़रूरी था। मुझे मोबाइल चाहिए था, जैसे आपने चाहिए था देखा, आपको दिमाग में आया कि मुझे यहाँ पे वॉन्टेड लगाना है। मुझे को हम आई बोलते हैं, हम सबको पता है, तो आई वॉन्टेड मोबाइल। आपने क्या बोला, आई वॉन्टेड मोबाइल। ठीक है, आपने कहा हमें आज़ादी चाहिए थी, है ना, पहले हमें क्या चाहिए थी, हमें आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, हमें आज़ादी चाहिए थी। कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस, वी वॉन्टेड, आज़ादी को बोलते हैं फ्रीडम, वी वॉन्टेड फ्रीडम। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर हमें वॉन्टेड कहाँ लगाना है और कहाँ वॉन्टेड नहीं लगाना है। देखो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको वॉन्टेड लगाना है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही शी इट हो, चाहे आई वी दे यू, वी एवरीबडी नोज दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, वन टाइप इज सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अदर टाइप इज प्लुरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही शी इट और नेम, जबकि प्लुरल में हम रखते हैं प्रेजेंट में आई वी दे यू को। तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल सब्जेक्ट हो, आपको सभी के साथ क्या लगाना है, वॉन्टेड ही लगाना है। तो मुझे मोबाइल चाहिए था, आई वॉन्टेड मोबाइल, हमें आज़ादी चाहिए थी, वी वॉन्टेड फ्रीडम। हम एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें घर चाहिए था। भाई कई लोग घर की तलाश में रहते हैं, उन्हें घर चाहिए था। ठीक है, अब उन्हें को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, दे बोलते हैं, सो दे वॉन्टेड होम। ठीक है, दे वॉन्टेड होम। अब हम इस साइड आ जाते हैं, तो कि कोई काम करना चाहते थे, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो हम सबको पता है कि इसमें हमें वर्ब की एंट्री करवानी है, तो हम वॉन्टेड टू के बाद क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा वॉन्टेड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो कोई काम करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि वॉन्टेड खुद अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, इसलिए पास्ट को शो कर देगा, इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक वाक्य है कि वह मुझसे बात करना चाहता था, वह मुझसे बात करना चाहता था, वह मुझसे बात करना चाहता था, ये सेंटेंस है। अब देखो, चाहिए था, देखो फिर समझ लो, डिफरेंस समझिए, कोई चीज़ चाहिए थी तो आपको सिर्फ वांटेड लगा के सीधा ऑब्जेक्ट लगा देना है, लेकिन कोई काम करना चाहते थे तो फिर आपको वांटेड टू लगाना है, और टू लगाया तो वर्ब भी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब स्मॉल डिफरेंस इज देयर, ओके। तो वह मुझसे बात करना चाहता था, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, अब ही के बाद हम क्या लगा देंगे, वांटेड टू, हमने लगा दिया वॉन्टेड टू, ही वॉन्टेड टू, बात करने को बोलते हैं टॉक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ही वॉन्टेड टू टॉक, और टॉक के बाद हमेशा टू आता है, ठीक है, टॉक के बाद हमेशा टू आता है, तो ही वॉन्टेड टू टॉक टू मुझसे, तो मुझसे को हम आई बोलते हैं, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, तो ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था, है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाना
चाहता था, मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता, शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊँ, क्योंकि पहले मेरी अंग्रेजी बहुत वीक थी, तो मुझे लगा कि अब मैं अंग्रेजी ही पढ़ाऊंगा, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश, आई वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश। देखिए, तो आपको समझना पड़ेगा, टीच मतलब पढ़ाना होता है, लर्न मतलब सीखना होता है। हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कुछ वर्ड्स में, टीच मतलब पढ़ाना, लर्न मतलब सीखना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट देख लिया, अगर हम इनकी प्रैक्टिस करें तो मैं आपको दोनों में डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। मैं फिर बताता हूँ, मुझे कार चाहिए थी, आई वॉन्टेड कार, मैं कार चलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू ड्राइव अ कार, मुझे पेन चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ पेन, मैं पेन खरीदना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बाय अ पेन, ठीक है। मुझे नौकर चाहिए थे, आई वॉन्टेड सर्वेंट्स, और आपने कहा कि नौकर काम करना चाहते थे, नौकर सैलरी चाहते थे, तो द सर्वेंट्स वॉन्टेड टू हैव सैलरी, इस तरीके से। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, अगर आपने वॉन्टेड टू निकाल दिया मुंह से तो फिर आपको उसके बाद वर्ब लगानी, अगर आप वॉन्टेड बोला तो उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, मैं अब आप उसका नेगेटिव बता देता हूँ ताकि आप नेगेटिव से, हाँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, आप पाँच सेंटेंस इसके बनाएं, पाँच इसके बनाएं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों मुझे ना बहुत सिंपल बात करने की आदत है, घुमा फिरा के बात करने से कोई मतलब नहीं है, आपके टाइम की वैल्यू करते हुए मैं बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाऊंगा तो आपका टाइम भी खराब होगा, इसलिए आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया है, अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना है प्रैक्टिस में। लोग अधिकतर पूछते हैं सर प्रैक्टिस कैसे करना है, अरे भाई प्रैक्टिस करने का बहुत सिंपल तरीका है, कंसेप्ट आपने पढ़ा, अब बस आपको यहां पर क्या चाहिए, यहां पर वस्तुएं चेंज करनी है। मुझे मोबाइल चाहिए था, आई वॉन्टेड मोबाइल, मुझे घड़ी चाहिए थी, आई वॉन्टेड वॉच, मुझे कूलर चाहिए था, आई वॉन्टेड कूलर, मुझे ट्यूबलाइट चाहिए थी, आई वॉन्टेड ट्यूबलाइट। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है, बस आप खुद करो ना, आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं। देखो, जिनको मंजिल की तलाश होती ना, वो रास्ते खुद बनाते, किसी का वेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको इनका फटाफट नेगेटिव सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं कि आपको कोई चीज नहीं चाहिए थी तब आप उसको कैसे बनाए। जैसे आपने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी, मुझे घर नहीं चाहिए था, मुझे किताबें नहीं चाहिए थी, नेगेटिव सेंटेंस, फटाफट हम देखते हैं। देखिए, हम इसका जब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है यहां पर कि हमें सब्जेक्ट लगाना है, और नेगेटिव में हमें क्या लगाना है, डिड नॉट लगा देना है। जब हमने वॉन्ट के लिए डू नॉट लगाया था, डज नॉट लगाया था, तो ओबियसली नेगेटिव में डिड नॉट लगा देंगे, और अगर हमने यहाँ पे डिड नॉट लगा दिया तो ये वॉन्टेड टू जो था ना, ये वॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉन्ट में, ध्यान रखना है, और वॉन्ट के बाद सीधा आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हमने वॉन्टेड को वॉन्ट क्यों किया, इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, क्योंकि चूंकि हम एक सेंटेंस में एक ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं, किसी भी पास्ट के एक सेंटेंस में एक ही वर्ब का सेकंड फॉर्म आ सकता है। अब यहाँ पर क्या था कि हमारे पास डिड नहीं था, तो हमने वॉन्ट को वॉन्टेड कर दिया, तो पास्ट बना दिया। अब यहाँ पर डिड ऑटोमेटिकली वर्ब का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है, एक मेन वर्ब भी है, इसीलिए यहाँ पर जब ये सेकंड फॉर्म में आ गया इसीलिए हमने वॉन्टेड को वॉन्ट कर दिया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मीनिंग पास्ट का ही रहेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा आपको, जैसे मैंने कहा कि मुझे पेन नहीं चाहिए था, मुझे पेन नहीं चाहिए था, आपने नेगेटिव सेंटेंस बोला है, नेगेटिव बना दीजिए, आई, आपको लगाना है डिड नॉट, स्ट्रक्चर देखिए, आई उसके बाद नेगेटिव है तो आपने डिड नॉट लगा दिया, आई डिड नॉट, फिर आपको यहां पे वॉन्ट लगाना है, वॉन्टेड नहीं लगाना है, आई डिड नॉट वॉन्ट अ पेन, इस तरीके से। जैसे आपने कहा कि उसे ज्ञान नहीं चाहिए था, आपने क्या कहा कि उसे ज्ञान नहीं चाहिए था, तब कैसे बनाएंगे, उसे ज्ञान नहीं चाहिए था, भाई उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, है ना, घर बैठे हैं पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, बड़ा ना बहुत टाइम वेस्ट, लेकिन अगर वो चाहें तो आज के समय में अपने सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से हम बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर बैठे मोबाइल से हम चाहें तो इतना ज्ञान हासिल कर सकते हैं कि जितना स्कूल जाके कॉलेज जाके नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स मोबाइल पर अवेलेबल है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान की नीड ही नहीं है, वो खुद ज्ञान बांटते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसे ज्ञान नहीं चाहिए था, तो लड़का है तो ही लगा देंगे, तो ही डिड नॉट, He did not want knowledge. इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ठीक है।
उसे ज्ञान नहीं चाहिए था। आप चाहे तो और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आपने कहा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए था, आई डिड नॉट वॉन्ट मोबाइल, ठीक है, मुझे आम नहीं चाहिए थे, आई डिड नॉट वॉन्ट मैंगो, उन्हें क्या नहीं चाहिए, उन्हें लैपटॉप नहीं चाहिए था, दे डिड नॉट वॉन्ट लैपटॉप। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको एक ही पैटर्न रखना है, बस आपको बार बार ऑब्जेक्ट चेंज करना है। चलिए यहाँ पर हम अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है डिड नॉट, वही का वही सेम पैटर्न है, बस यहाँ पर जहाँ पर वॉन्ट था वहाँ पर आपको वॉन्ट टू लगा लेना है। जैसे आपने बोला कि मुझे कार नहीं, मैं कार खरीदना नहीं चाहता था, तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू बाय अ कार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वॉन्ट टू, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने वॉन्ट लगाया था, यहाँ पर आपको वॉन्ट टू लगाना है, वॉन्ट टू लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नहीं चाहता था, देखो खेलना नहीं चाहता था, चाहिए था तो हमने क्या लगाया था वांटेड, और फिर उसको डिड नॉट वांट किया था, कोई काम नहीं करना चाहता था तो डिड नॉट तो लगाएंगे पर वहां पे वांट टू लगा देंगे। तो ही, देखो तो ही, वह को ही बोला, ही के बाद नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा दिया, He did not want to play cricket, है ना, वह क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था। आपने सेंटेंस में कहा, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको, बाकी तो आप बना ही लेंगे। जैसे मैं फिल्म नहीं देखना चाहता था, I did not want to watch movie, मैं ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ड्राइव ट्रैक्टर, डिड नॉट आया तो वॉन्ट लगना चाहिए, वॉन्ट टू आना चाहिए, वॉन्टेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। वह कपड़े नहीं खरीदना चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप कुछ सेंटेंसेस इसके लेंगे, कुछ सेंटेंस के लेंगे, मैं आपको दो सेंटेंस इसके दे रहा हूँ, दो सेंटेंस इसके दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताइए कि आपको, अगर आपने सही बनाया तो मैं समझ जाऊँगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो टॉपिक आपको आ गया। तो दो सेंटेंसेस आप वांटेड के लिखिए, ठीक है, तो इसका एक बनाना है आपको नेगेटिव, एक सॉरी एक बनाना है सिंपल, एक बनाना है नेगेटिव, फिर इसी में एक दूंगा तो उसका एक नेगेटिव और एक सॉरी एक सिंपल और एक नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिखिए कि उसे अच्छे कपड़े चाहिए थे, कपड़े मतलब क्लोथ्स, उसे अच्छे कपड़े चाहिए थे, इसके आप बनाएंगे एक सिंपल एक नेगेटिव बना के कमेंट में लिखिए, और एक ये सेंटेंस इधर बनाइए कि वह स्वेटर बुनना चाहता था, वह स्वेटर बुनने को क्या बोलते हैं, पता करके लाना है ना, जो बुनते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, स्वेटर मतलब हमारी जो हम जो पहनते हैं कपड़े है ना ठंड के टाइम में, तो वह स्वेटर बुनना चाहता था। ये दोनों वाक्यों को आप कमेंट में लिखेंगे दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई सजेशन और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी तक आपने मास्टर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर करें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, चलिए आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।